अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इनका कार्यक्षेत्र दिल्ली रहा तथा कवि इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। इनके पिता तुर्क सैफुद्दीन और माता दौलत नाज जो कि हिंदुस्तानी राजपूत थी। इनका जन्म 1253 में एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था और मृत्यु 1325 में हुई। इन्होंने अपना साहित्य खड़ी बोली और अवधी भाषा में लिखा है। यह हिंदी साहित्य की प्राचीन भाषाएं हैं। अमीर खुसरो ने कई रचनाएं की हैं, जिनमें प्रमुख है खालिक बारी, खुसरो की पहलिया, मुकरिया, श्रृंगारी, दो सुखने, गज़ल, ख्याल, कव्वाली, रुबाई, उलट बासिया आदि प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आज हम अमीर खुसरो की मुकरिया ऐ सखी यह पद्य रचना पढ़ने जा रहे हैं। मुकरी यह पहेली की तरह ही होती है। इसमें आरंभ के चरणों में कही भी बात से मुकर कर उसके अंत में भिन्न अभिप्राय व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर दो सहेलियाँ आपस में बैठी बातें कर रही है। एक सखी दूसरे से कुछ कहती है। जब दूसरी सखी उसका उत्तर देती है तो पहली सखी उसकी कही हुई बात से मुकर कर अपना मत व्यक्त करती है। तो चलिए चलते हैं ऐ सखी इस पद्य रचना की ओर। रात समय वह मेरे आवे, भोर वे वह घर उठी जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, ऐ सखी साजन ना सखी तारा। यहाँ पर नायिका अपनी सखी से कहती है कि रात के समय वह मेरे पास आता है। आवे का अर्थ है आना और सुबह सुबह उठकर अपने घर चला जाता है। यहाँ पर भोर का अर्थ है सुबह सुबह। यह आश्चर्य सबसे अलग ढंग का है। आश्चर्य के लिए अचरज शब्द का प्रयोग हुआ है और न्यारा यानी अनोखा अलग ढंग का। तो रात के समय वह मेरे पास आता है और सुबह सुबह उठकर चला जाता है, यह सबसे अलग ढंग का आश्चर्य है। तब उसकी सखी उससे पूछती है क्या हुआ उसका पति है। तब नायिका जवाब देती है नहीं सखी, वह तो तारा है ना, तारा रात में दिखाई देता है और सुबह चला जाता है। वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोई, मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। यहाँ पर नायिका अपनी सखी से कह रही है जब वो आता है तो शादी होती है, उस दिन उसके अलावा दूसरे किसी की कोई कुछ नहीं सुनता, दूजा यानी दूसरा, उसके बोल बहुत मीठे लगने लगते हैं, वाके यानी लगना। नायिका की सखी उससे पूछती है क्या वो तेरा साजन है। नायिका उसका जवाब देती है ना सखी, वह मेरा साजन नहीं बल्कि शादी में बजने वाला ढोल है। हम देखते हैं ना, जहाँ शादी का माहौल होता है तो ढोल की आवाज़ सुनने में सब दंग रहते हैं। उस समय दूसरे किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा। नायिका कहती है जब मैं उससे मांगती हूँ तो वह पानी भर लाता है। जल का अर्थ है पानी। वह मेरे मन की गर्मी बुझाता है। गर्मी के लिए तपन शब्द का प्रयोग हुआ है। उसका दिल बहुत बड़ा है। भारी का अर्थ है बड़ा। उसका शरीर छोटा है, तन यानी शरीर। उसकी सखी पूछती है क्या वह तेरा साजन है जो बड़े मन का है, तेरे मन की गर्मी भी बुझाता है। नायिका उत्तर देती है ना सखी, वह लोटा है। हम देखते हैं रोजाना लोटा भर पानी लेते हैं। वह आकार में छोटा होता है लेकिन उस लोटे भर पानी से हमारे मन में जो प्यास के कारण गर्मी निर्माण होती है उसे दूर करता है। छोटा सा लोटा मन की प्यास बुझाने का बहुत बड़ा कार्य करता है। बिल्कुल सही कहा है ना अमीर खुसरो ने। बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे, व्याकुल हुई में हक्की बक्की, ए सखी साजन ना सखी मक्खी।
नायिका कहती है, वह बार बार सोते में मुझे जगा देता है, बेर बेर यानी बार बार। यदि मैं नहीं जागती तो वह मुझे काटता है, इससे मैं बेचैन हो जाती हूँ, व्याकुल यानी बेचैन, और आश्चर्यचकित हो जाती हूँ, हक्का बक्का होना यानी आश्चर्यचकित होना। नायिका की सखी उससे पूछती है, सखी क्या वह तेरा साजन है? नायिका उसे उत्तर देती है, ना सखी, वह तो मक्खी है। इसका अनुभव तो हम सब ही लेते हैं, गहरी नींद में मीठे मीठे सपने देखते हैं और मक्खी हमें किस प्रकार तंग करती है, बेचैन करती है, सोने नहीं देती। अति सुरंग है रंग रंगीलो, हे गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। यहाँ पर नायिका अपनी सखी से कहती है कि उसका रंग बहुत सुंदर है। सुरंग का अर्थ है सुंदर रंग, वह रंग रंगीला है, वह बहुत गुणी और गहरे चमकदार रंग वाला है। चमकदार शब्द के लिए चटकीला शब्द का प्रयोग हुआ है। वह बिना राम राम कहे कभी नहीं सोता। तब नायिका की सखी उससे पूछती है, क्या वे साजन है? नायिका जवाब देती है, साजन नहीं, वह तोता है। तोता तो आप सबने देखा ही है, कई बच्चों ने तो उसे अपने घर पिंजरे में पाल भी रखा होगा, क्योंकि उसका सुंदर रंग सबको प्यारा लगता है और उसकी पटर पटर भी। मनुष्य की बोली वह बोलता है और सोने से पहले राम का नाम लिए बिना नहीं सोता। तो यहाँ भी नायिका सखी के जवाब का इनकार करते हुए सही जवाब बताती है, तोता। अर्धनिशावह आयो भुवन, सुंदरता बरनई कवि कौन, निरकत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन ना सखी चंद। नायिका कहती है कि वह आधी रात को मेरे घर आया, अर्धनिशा यानी आधी रात। भवन, यह भवन का अपभ्रंश रूप है जिसका अर्थ है घर। वह इतना सुंदर है कि उसकी सुंदरता का वर्णन कोई कभी भी नहीं कर सकता। वर्णय यानी वर्णन करना, उसे देखते ही मेरा मन आनंद से भर उठा। निरखत यानी देखना। नायिका की सखी पूछती है, क्या वे तेरे साजन है? नायिका जवाब देती है, नहीं सखी, वह साजन नहीं, चंद्रमा है। चंद्रमा के लिए चंद शब्द का प्रयोग अमीर खुसरो ने किया है। इस प्रकार खुसरो की इन लाजवाब मुकरियों के माध्यम से हमें सुंदर सुंदर पहेलियाँ सीखने मिल रही है। अब बढ़ते हैं सातवीं मुकरी की ओर। शोभा सदा बड़ाव नहारा, आखिन से छिन होतन न्यारा, आठ पहर में रो मन रंजन, क्यों सखी साजन ना सखी अंजन। यहाँ पर नायिका कहती है, उससे मेरा सौंदर्य हमेशा बड़ा रहता है। शोभा यानी सौंदर्य और बढ़ावन हारा यानी बढ़ाने वाला। वो आंखों से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होता। छिन यानी क्षण, न्यारा यानी अलग। वह आटो पहर मेरे मन को प्रसन्न रखता है। मनोरंजन का अर्थ है मन को प्रसन्न रखना। नायिका की सहेली यह सुनकर उसे पूछती है, क्यों सखी, वे तुम्हारे साजन है? नायिका जवाब देती है, ना सखी, वह अंजन है। अंजन यानी काजल, जो लड़कियां आंखों में लगाती है। अब देखते हैं अगली मुकरी किस बुद्धि चातुरता से रची गई है। जीवन सब जग जासो कहे, वा बिनु नेक न धीरज रहे, हरे छिनक में ही की पीर, क्यों सखी साजन ना सखी नीर। यहाँ पर नायिका कहती है कि इस पूरे संसार का जीवन उसी के कारण है, जग यानी संसार। उसके बिना किसी को तनिक भी धीरज नहीं रहता। नेक का अर्थ है तनिक भी, जरा सा। वह क्षण भर में मन का कष्ट दूर कर देता है। ही यानी हृदय, मन, और पीर यानी कष्ट, पीड़ा का अपभ्रंश रूप। मतलब यह कि इस संसार के सभी लोगों को जीवन देता है और क्षण भर में मन की पीड़ा को दूर करता है। उसकी सखी पूछती है, क्यों सखी, क्या वह साजन है जो मन की पीड़ा को दूर करता है? नायिका जवाब देती है, न सखी, वह नीर यानी पानी है। सचमुच आज तक और आज के बाद भी सभी को जीवन दान देने वाला पानी ही तो है। जल है तो जीवन है। अब बढ़ते हैं आखिरी मुकरी की ओर।
बिना आए सब ही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले, सिरा भई लगावत छाती, क्यों सखी साजन ना सखी पाती। नायिका कहती है कि जब वो नहीं आता तो कोई आनंद कोई खुशी अच्छी नहीं लगती, सभी सुख भूल जाते हैं। जब वो आता है तो शरीर से सभी अंग आनंदित हो उठते हैं, फूले यानी आनंदित होना। उसे छाती से लगाने पर मन को ठंडक मिलती है, सिरा यानी ठंडी। उसकी सखी उससे पूछती है, क्यों सखी, क्या वे साजन है? नायिका जवाब देती है, न सखी वह पत्र है, पाती यानी संदेश पत्र। इस प्रकार कुल 9 मुखरियों का अभ्यास हमने यहाँ किया है।